इंडियाज बेस्ट डांसर। तो फ्रेंड जैसे कि इंडियाज बेस्ट डांसर्स का कल ही ग्रैंड फिनाले हुआ है एंड मेरे फेवरेट अनिकेत भैया उसमें एक रनर अप रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताती हूँ कि वो क्यों मेरे इतने फेवरेट है, क्योंकि वो मेरे घर के एकदम नियर बाय में रहते हैं, जलवा है हमारा, तो इसलिए वो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। उनकी परफॉर्मेंस भी वो काफ़ी अच्छे करते हैं, तो इसलिए मुझे काफ़ी पसंद है वो। तो कंग्रेचुलेशंस अनिकेत भैया। तो आज मैं आ चुकी हूँ आपके फेवरेट बर्गर पॉइंट पे आपकी परफॉर्मेंस को सेलिब्रेट करने के लिए। मैंने सोचा आप देखो अनिकेत भैया तो मेरे साथ आ नहीं सकते, हमने सोचा क्यों ना इनको व्लॉग भी दिखाते हैं, अगर आप देख रहे हो तो कंग्रेचुलेशंस। और मैं आ चुकी हूँ आज आपकी परफॉर्मेंस को सेलिब्रेट करने के लिए कहाँ पे, केशवपुरम में बर्गर स्ट्रीट पे, आपके फेवरेट बर्गर पॉइंट पे। तो आज चलते हैं अंदर एंड देखते हैं फ्रेंड्स कि ना अनिकेत भैया को इसमें ऐसा क्या अच्छा लगता है, मतलब क्या ऐसी खास बात है यहाँ पे जो अनिकेत भैया को अच्छी लगती है। आज चलते हैं अंदर एंड देखते हैं। तो फ्रेंड्स आज फिर से मेरे ब्लॉग में मेरे पापा मेरे टेस्ट पार्टनर होने वाले हैं, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे ना ऐसे लोग काफ़ी अच्छा लगता है जिनको खाना अच्छा लगता है। देखो जैसे मेरे को मैं अच्छी लगती हूँ क्योंकि मुझे खाना अच्छा लगता है, मेरे को पापा भी अच्छे लगते हैं क्योंकि उन्हें भी खाना अच्छा लगता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी फूड जर्नी को पापा के साथ दोबारा से। तो फ्रेंड्स अब हम लोग सबसे पहले अपनी डिशेस की सबसे यूनिक चीज़ खाने वाले हैं जो कि है चूर चूर पैटी। तो फ्रेंड्स नहीं पहले तो पापा से पूछते हैं, तो पापा आपका ये चूर चूर पैटी को देख के क्या विचार है? भैया ऐसा मैंने ना पैटीज जिंदगी में बहुत खाई है, लेकिन सिर्फ पैटीज खाई और वो चूर होती थी मेरे मुंह में जाके, ये प्लेट में पहली बार चूर होते हुए देखी है। अब इसके अंदर इन्होंने जो फ्यूजन बनाया है मिनीज का, वो खाने के बाद टेस्ट पता लगेगा। पहले आप फूड एक्सपर्ट हो, पहले आप खाओ, आप बताओ कैसा लग रहा है, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड चलो टेस्ट करते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा मैं तो ऐसा लग रहा है इसके अंदर बस सॉस डाल रख के, बट हाँ नीचे पैटी है। मिल गई पैटी भी मिल गई। फ्रेंड्स इसे डाल लेते हैं, अभी गिर जाते हैं। आ गई फाइनली, अब इसे टेस्ट कर देगी कैसी होगी इतनी बड़ी बाइट, पहले थोड़ी सी आप खाएं। हाँ हाउज इट, एक्सप्रेशंस क्या है? देखो वैसे तो अच्छी है, बट एक चीज़ कहूँगी इसमें ना इतनी सारे सॉस डाल रखे तो काफ़ी ज़्यादा खट्टा खट्टा सा टेस्ट आ रहा है, तो मुझे ओके ओके लगी। मैं टाइप करूँ? इसके अंदर इन्होंने वेजिटेबल्स भी डाली हुई है, अच्छा प्याज भी आ रहा है, कैप्सिकम भी है, टैंगी फ्लेवर आया है जो कि शायद वो जो आपकी सॉस होती है ना उसका सॉस है, सॉस है लेकिन अच्छा है, वेजिटेबल्स काफ़ी सारी है। तो उसने तुम्हें अच्छी नहीं लग रही होगी, वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा आई है, वेजिटेबल्स कम खाती है, ऐसा नहीं है। हाँ वेजिटेबल्स थोड़े कम खाती है बट ऐसा नहीं है। हाँ वैसे आपका टाइम में जो पैटीज होते थे उसमें भी इतने सारे वेजिटेबल्स, उसमें अंदर आलू होते थे, अरे ऊपर इस तरीके का कोई फ्यूजन नहीं मिलता था हमें। अच्छा कोई बात नहीं, हमारे टाइम में है तो अच्छी बात है। पहले आलू वाली होती थी, बाद में पनीर वाली इंट्रोड्यूस हो गई है, ये आजकल ये चूर चूर वाली भी इंट्रोड्यूस हो गई है वेजिटेबल्स, ये आप ही जैसे बच्चों को देख करके बनाई गई है, जो वैसे वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं वो पैटीज और इस तरीके के फ्यूजन के साथ वेजिटेबल खाएं। राइट राइट राइट, लेकिन ओवरऑल नाइस। फ्रेंड्स अब इसे साइड करते हैं, अब हम अपने नेक्स्ट आइटम पे जाते हैं जो कि है हमारा महाराजा बर्गर। महाराजा मतलब मेरे मुंह के साइज में तो यहाँ के देखते हो कितना बड़ा। डोंट ट्राई, आपको अपने मुंह का साइज डबल करना पड़ेगा। हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसे बाइट मार के खाना पड़ेगा क्योंकि इसमें आपको मुंह तक तो आ रहा होगा। मैं पहले आप टेस्ट ट्राई करो, उसके बाद मैं ट्राई करता हूं। अब हम ट्राई करते हैं फ्रेंड्स, इसके अंदर देखो चीज हमें बाहर से दिखी रही है, मैं आपको खोल के दिखाती हूं। चीज है फ्रेंड्स, देखो उखड़ जाएगा बेचारे की प्रेजेंटेशन थोड़ी खराब हो जाएगी। चीज ये बर्गर के साथ बड़ी चिपक गई फ्रेंड्स, पुराना कॉपी। ये पैटी नीचे हमें प्याज भी नजर आ रहे हैं, ऑनियंस, मैं सॉसेस वगैरह भी इसमें भी डली हुई है। चलो अब टेस्ट करते हैं। आया मुंह तक आया, बाइट भी कर ले, बस चिन्नू से आया, बट कोई बात नहीं कुछ तो आया है, देखो थोड़ा बहुत आया। इसके अंदर चीज़ें काफ़ी अच्छा लग रहा है, चीज़ भी आया मेरे मुँह में, इनकी जो पैटी है अंदर की काफ़ी क्रंची सी है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, अनियन का एकदम बढ़िया क्रंच आ रहा है मुँह में। एंड फ्रेंड्स जैसे अंदर देखो, जैसे हम लोग नॉर्मल बर्गर में आते हैं तो इतना हाइट का होता है, इनमें एक बन है ऊपर का और इतना नीचे का उसका बेस है, डबल लेयर हो गया।
तो फ्रेंड्स इसे ना महाराजा बर्गर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर ना एक तो दो पैटी लगी हुई हैं एंड जैसे हमारा नॉर्मल बर्गर की हाइट इतनी होती है बट इसके अंदर एक नीचे और लगा दिया लेयर, तो वो इतना बड़ा महाराजा बर्गर हो चुका है। अब चलो पापा से पूछते हैं कि पापा को कैसा लगा, पहले टेस्ट कर लेते हैं। पहले तो मेरे लिए भी चैलेंज है कि ये एक बाइट में मेरे मुंह में आया नहीं। हां मैं तो पहले पहले आज इतना एक्सप्लोर करें, देखो मेरे मुंह तो आ जाएगा, मैं तो बाइट भी बड़ी ले लूंगा। डबल लेयर्ड है। अब अगर बड़ा बर्गर खाएंगे तो ये तो होगा यार। डबल लेयर्ड है, चीज़ का फ्लेवर भी मुंह में आ रहा है, जो ऑनियन है नीचे वो भी आ रहा है, वो जो टैंगी सॉस उसके अंदर डली हुई थी वो इसके अंदर भी है, विच मेक्स इट अ वेरी गुड बर्गर। इनका बन बहुत सॉफ्ट है, जैसा कि आप ये ऊपर भी देख रहे हैं ना, मतलब इतना सॉफ्ट है कि अगर मैं फिंगर प्रेशर से डालूँ तो शायद वो टूट ही जाए। सी टूटेगा, चैलेंज में तोड़ू हाँ फ्रेंड्स, मैंने आया यहाँ पे इसलिए आई हूँ क्योंकि ना एक तो ये अनिकेत भैया का फेवरेट बर्गर पॉइंट है एंड दूसरी चीज़ मेरा भी फेवरेट बर्गर पॉइंट है, क्योंकि जब भी मेरे को ना कुछ बर्गर की क्रेविंग होती है तो मैं या तो यहाँ पे आ जाती हूँ या फिर जोमेटो से यहाँ का बर्गर ऑर्डर कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे इतना अच्छा लगता है और बर्गर तो मेरा यहाँ का एकदम फेवरेट ही लगता है मुझे। तो चलो चलते अपनी नेक्स्ट डिश पे। फ्रेंड्स देख सकते हैं आपको लग रहा होगा ये कैसी कॉफ़ी है। फ्रेंड्स थोड़ा ना सिप सिप चल रहा था पीछे, हम तो व्लॉग पर ध्यान दे रहे थे और हमारे पापा ये डिश एक्सप्लोर कर रही थी, मैं कॉफ़ी का टेस्ट एक्सप्लोर कर रहा था। पर पहले मैं बताऊँ ठीक है, फ्रेंड्स इतनी बढ़िया कॉफ़ी लग रही है, कोल्ड कॉफ़ी एक तो जैसे हाँ दिख ही रही है और इसके अंदर फ्रेंड्स ओरियो डाला हुआ है, मतलब कोल्ड कॉफ़ी एंड ओरियो का एकदम फ्यूजन सा है, एकदम अच्छे से कोल्ड कॉफ़ी का बढ़िया वाला फ्लेवर तो आ ही रहा है, कॉफ़ी जूस की होती है एंड इसके अंदर जो ओरियो के चंक्स आ रहे थे वाह 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 इतने बढ़िया लग रहा है फ्रेंड्स इसके अंदर, मतलब वाह फ्रेंड्स, मतलब क्या होता है हर व्लॉग में फ़ोन तो बजना ही है ना। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा लग रहा है, एकदम बैलेंस इसकी स्वीटनेस है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्रीमीनेस एकदम बढ़िया लग रही है, जो अच्छी वाली कोल्ड कॉफ़ी होती है ना एकदम वैसे। तो फ्रेंड्स कोल्ड कॉफ़ी तो वैसे मुझे हर जगह की अच्छी लगती है, ये तो है क्योंकि फ्रेंड्स कोल्ड कॉफ़ी बनती ही ऐसी है। अब पापा ट्राई करते हैं, वैसे पापा ने कर ही लिया, आप सब कुछ बोल ही चुकी हो, टेक्सचर क्रीमी है, ओरियो के चंक्स आ रहे हैं जो आपके बहुत फेवरेट हैं, उसके अलावा जो इसका स्वीटनेस है वो बहुत बैलेंस्ड है, तो मतलब ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड कोल्ड कॉफ़ी, मतलब अगर इसको नंबर देने हो तो 10 में से 10 हम दे सकते हैं। हाँ 10 में से 10 एंड इसको कितने दोगे आप? दो, मैं दूंगी इसे, आई एम गेस्ट योर होस्ट, मैं इसे 6.5। अच्छा हाँ, क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल्स है, देखो ऐसी बात नहीं है, इसमें सॉस ज़्यादा थी इसलिए मुझे थोड़ा कम पसंद। अच्छा बर्गर, बर्गर तो बहुत ही यम्मी लगा, बर्गर की इनकी मुझे सबसे फेवरेट बात इनके बर्गर की ये लगती है, इनकी पैटी काफ़ी यम्मी सी होती है, हाँ ऐसा क्यों है आई डोंट नो वैसे, बट काफ़ी क्रिस्पी होती है तो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। तो इसको 10 में से 10 दूंगी मैं बर्गर का, क्योंकि मुझे हमेशा से इनका बर्गर काफ़ी अच्छा। अच्छा घर पर मंगा मंगा के तुम खाती हो? हाँ जी। उसका उसका क्या, उसका वो भी सेम ही है, 10 में से 10 ठीक है, टेस्ट दोनों का बराबर रहता है, चाहे आप यहाँ खा लीजिए चाहे आप घर पे मंगवा लीजिए। हाँ तो चलो अब हम इसे फिनिश करते हैं और मिलते हैं आपसे इसे खाने के बाद। फ्रेंड्स अब मैं आपको इनका प्राइस बता देती हूँ, इसका प्राइस है 80, इसका 90, इसका 110 एंड टेस्ट वाइज तो काफ़ी मुझे बेस्ट ही लगता है इनका फूड एंड प्राइस वाइज भी एकदम रीजनेबल है। इनकी कोल्ड कॉफ़ी तो काफ़ी अच्छी थी क्योंकि ओरियो के चंक्स खा रहे थे, सच बता रही हूँ मुझे इनकी कोल्ड कॉफ़ी सबसे बेस्ट लगी, 10 में से 11। तो फ्रेंड्स ये लोग जोमेटो स्विगी पे भी हैं, जैसे कि मैं मंगाती वैसे आप भी अपने घर बैठे एसी में खा सकते हैं ऐसे, एंड इनकी एक और ब्रांच त्रिनगर में भी है तो मुझे तो इनका अच्छा लगता है। अब मैं आपको इनका मेन्यू भी बता देती हूँ झटपट से, वैसे तो इनका मेन्यू इतना बड़ा है हमें भी सोचने में थोड़ा टाइम लग गया, बट बर्गर तो हमें मंगाना ही था क्योंकि बर्गर स्ट्रीट है, इनका बर्गर तो मुझे काफ़ी अच्छा ही लगता है। तो फ्रेंड्स अब मैंने कर लिया है, पापा ने कर लिया अपना पेट वेट अपना अच्छे से संतुष्ट कर लिया है, आपको भी संतुष्ट कर दिया अच्छा अच्छा खाना दिखा के, आप भी अब संतुष्ट हो जाओ यहाँ पे आके एंड इनका फूड खा के जल्दी जल्दी आ जाओ एंड मतलब मुझे तो इनका फूड जो है ना इतना बढ़िया लगा, एकदम बढ़िया। पापा किससे बात कर रहे हो आपके बीच में? मम्मा का फोन था, कहते तुम चले जाते हो व्लॉग में, मुझे भी भेज दिया करो बेटा, अगली बार ब्लॉग में मम्मा को साथ लेकर के चले जाना, मुझे छोड़ देना। राइट 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 राइट
छोड़ देना नहीं मतलब उसके बाद भी आपको ही लेके आएंगे अगले ब्लॉग में मम्मा को ले जाना। अगले ब्लॉग में मम्मा को लेके आएंगे जरूर। तो अभी कर दे बाय फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। तो अभी के लिए बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अरे सोच रही थी ना थोड़ा सा, मैंने पूरे उसकी भी प्रेजेंटेशन खराब कर दी, इसकी भी खराब हो गई, उसकी भी खराब हो गई। अरे कुछ नहीं खराब।